अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। दोस्तों, एक मरतबा फिर हम इस्लामिक नॉलेज में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं। दोस्तों, आज का सवाल आपके स्क्रीन पर, आज का सवाल है, कुरान पाक में सबसे ज़्यादा किस पैगंबर का नाम आया है? कुरान पाक में सबसे ज़्यादा किस पैगंबर का नाम आया है? ऑप्शन आपके सामने, ऑप्शन ए आदम अलैहिस्सलाम, ऑप्शन बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन सी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, ऑप्शन डी हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। जी हाँ, इनमें से सही ऑप्शन चुनकर कमेंट में आपको जवाब देना है। अब आपका वक्त होता है शुरू। दोस्तों, इसका सही जवाब है ऑप्शन बी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी हाँ, कुरान शरीफ में ज़्यादा जिस पैगंबर का नाम ज़्यादा से ज़्यादा जिक्र किया गया है और ज़्यादा से ज़्यादा नाम आया है, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का नाम है। कुरान पाक में सबसे ज़्यादा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया है, उनका नाम आया है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि एक यूनिक और बहुत ही अच्छी मालूमात आपकी खिदमत में हमने पेश किया। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान भी जान सके कुरान के बारे में और कुरान के बारे में इल्म रख सके। अस्सलामुअलैकुम, खुदा हाफिज़।